वेलकम टू फन फूडीज। आज मैं आपको नई वैरायटी बताने वाली हूँ, वो है समर स्पेशल कूलर। बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर रोज के नए नए वीडियो आपके पास इजीली पहुंच जाइए। और वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलो मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ। उसके लिए हम लेंगे आधा बाउल सूखी हुई काली द्राक्ष, आधा बाउल बड़ी वाली शक्कर, थोड़ा सा काला नमक, आधा नींबू और एक से दो चम्मच जितना सब्जा। अभी हम 5 से 6 घंटे तक काली द्राक्ष और बड़ी वाली शक्कर को भिगो के रख देंगे और सब्जा को हम अलग से भिगो के रख देंगे। मैंने पहले से ही 5 से 6 घंटे तक भिगोई हुई द्राक्ष और उसमें शक्कर रख दिया है और अलग से सब्जा को भी भिगो दिया है। अभी हम भिगोई हुई द्राक्ष और शक्कर को मिक्सी में पीस लेंगे। अभी ये मिक्सी में पीस के रेडी हो गया है। अभी हम इसको एक बाउल में छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और छान लेंगे। ये गर्मी के लिए एकदम फायदेकारक है और स्किन के डिजीज के लिए भी बहुत ही फायदेकारक है। अभी हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये जो मैंने मेजरमेंट बताया है उसमें से हम मैक्सिमम 2 ग्लास बना सकते हैं कूलर। अभी हम उसमें ऐड करेंगे छोटी वाली चम्मच काला नमक और आधा नींबू का रस। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी एक ग्लास में 2 आइस क्यूब लेंगे, उसमें हम डालेंगे हमारा समर स्पेशल कूलर और उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच सब्जा। अभी आप देख सकते हो कितना बढ़िया हो गया है हमारा समर स्पेशल कूलर। इसमें हमने गार्निशिंग के लिए पुदीना पत्ता रखा है। बाय बाय फ्रेंड्स।